बच्चों, आज हम आपके लिए आपकी पाठ्य पुस्तक सुगम संस्कृतम से भाग 3 कक्षा 8 के लिए चतुर्थ पाठ पढ़ाएंगे, जिसका नाम है इच्छा शक्ति बलियसी। इसमें त्वा और लेप प्रत्यय का प्रयोग होगा। हम लोग इसके अर्थ को जानते हैं। शुचि ही माता, कस्य इदम चित्रम। शुचि कहती है, हे माता, ये चित्र किसका है? माता शुचि, त्वम चित्रे किम पश्यसि। माता कहती है, अरे शुचि, तुम चित्र में क्या देखती हो? शुचि कहती है, अहम तु एकाम महिलाम पश्यामि, मैं तो एक महिला को देखती हूँ। या चक्रमयी आसंदिकायाम उपविष्टा अस्ति, जो चक्रमयी, चक्रमयी मतलब चक्र से युक्त, आसंदिकायाम मतलब कुर्सी पर उपविष्टा अस्ति, बैठी है। माता, आम सत्यम, हाँ सही कहा। सा साधारण महिला नास्ति, वह साधारण महिला नहीं है। विकलांगापि सा स्वकार्यम स्वयमेव करोति, विकलांग होकर भी वह अपने कार्य स्वयं ही करती है। सुचि, कास्ति सा महिला, वह महिला कौन है? अहम ज्ञातुम इच्छामि, मैं जानना चाहती हूँ। माता, पाठम पठित्वा, पाठ को पढ़कर। बच्चों, पठित्वा में पठ और त्वा प्रत्यय का प्रयोग होगा। पठित्वा माने पढ़कर। त्वम तस्याः, तुम उसके, महिलायाः, महिला के विषये ज्ञास्यसि, पाठ को पढ़कर तुम उस महिला के विषय में जान सकती हो। मानवः ईश्वरस्य सर्वोत्तमा कृतिरस्ति, मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है, सर्वश्रेष्ठ रचना है। सः तस्मै सबलं मनः, ईश्वर ने उसे बलवान मन, कार्य साधकानि इंद्रियाणि च अयच्छत, और कार्य को पूरा करने वाली, कार्य की सहायक सहायता करने वाली इंद्रियां भी दीं। परम संसारे अनेके जना विकलांगा अपि सन्ति, किंतु संसार में बहुत से लोग विकलांग भी हैं। ए जीवनम स्वकार्यम कर्तुम असमर्था भवन्ति, जो जीवन के कार्यों को करने में असमर्थ होते हैं। अत्र विकलांगेशु, यहाँ पर विकलांगों में डॉक्टर चंद्रा एकम विलक्षणम दृष्टांतम अस्ति, विकलांग लोगों में डॉक्टर चंद्रा एक अलौकिक उदाहरण है, दृष्टांत है। जन्मतः सा स्वस्थ सर्वांग पूर्णा आसीत, जन्म से तो वे स्वस्थ और सभी अंगों से परिपूर्ण थी। सामान्य ज्वर बसात सहसा, सामान्य बुखार आने से केवल अचानक आकंठम तस्याः, गले तक उनका शरीरम निर्जीवम इव चा अवत। एक साधारण बुखार के आने से गले तक उनका शरीर अचानक निर्जीव सा हो गया। अनेकानेक मतलब बहुत से चिकित्सका डॉक्टरों ने ताम निरीक्ष्य, उनको देखकर स्वाभिप्रायम अपनी सलाह अयच्छन बताई। यत नास्ति कोऽपि उपचारा, कि ऐसा कोई उपचार नहीं है, एन रोग मुक्ति भवेत, जिससे इस रोग की मुक्ति हो जाए। परम बालिकाया जननी श्रीमती सुब्रमण्यम, किंतु बालिका की, बालिका मीन्स डॉक्टर चंद्रा की जननी माता ने, श्रीमती सुब्रमण्यम ने धैर्यम साहसम च नात्यजत, बालिका की माता श्रीमती सुब्रमण्यम ने अपना धैर्य और साहस नहीं छोड़ा। बस पर्यंतम एकस्य, एक साल तक किसी एक अस्थि रोग विशेषज्ञ, एक हड्डी रोग विशेषज्ञ की चिकित्सा माने चिकित्सा करने से तस्याः, उनका मुखम नेत्रे, उनका मुख नेत्रे मीन्स दोनों आंखें, कर्णों मीन्स दोनों कान, नासिका हस्तौचा और नाक और उनके दोनों हाथ, सो कार्यम कर्तुम समर्था अवन, अपना कार्य करने में समर्थ हो गए। किंतु कटिभागात अधोभागे जड़ता तथैव अतिष्ठत, कटिभागात का आशय है कमर से नीचे का हिस्सा जो था, कटिभागात कमर से अधोभागे नीचे के हिस्से में जड़ता तथैव अतिष्ठत, जो जड़ता थी, जो निर्जीवता थी, वो वैसे ही बनी रही। यदा सा पंचवर्षीय आ जाता, जब वह पंचवर्षीय मतलब 5 साल की हो गई, तो जननी ताम एकस्मिन,
तो माता होने एक आंगल, आंगल का मतलब इंग्लिश माध्यम, इंग्लिश मीडियम में हम लोग जान सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कॉन्वेंट। विद्यालय प्रवेश आय अन्यत, विद्यालय में प्रवेश के लिए ले गई। अध्ययन काले बालिका आशा है अहम अपी, जब हमारी बच्ची यहाँ पर पढ़ेगी तो अध्ययन काल में मतलब पढ़ते समय बालिका के साथ हम भी तस्या उसकी सहायिका रूपेण, सहायता के रूप में, सहायता के रूप में सहायता करने के लिए निरंतरम स्थास्यामी, हमेशा यहीं पर रहूंगी। इति जनन्या वचनेन, ऐसी माता के वचनों से डॉक्टर चंद्रा, ऐसी जब माता की बातें सुनी तो डॉक्टर चंद्रा तस्मिन विद्यालय प्रवेश अलवत, तो डॉक्टर चंद्रा ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया। धन्यवाद बच्चों, इससे आगे का पाठ हम लोग अगली वीडियो में देंगे, वीडियो लंबी ना हो जाए इसीलिए आपको यहीं पर वीडियो को समाप्त करेंगे। यह है आपका संस्कृत ज्ञान प्रवाह चैनल, जहां पर आपको हर समय आपके पाठों का हिंदी अनुवाद और एक्सरसाइज वर्क आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।